करिश्माई ढंग से फायदा करता है आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर टगर। आज हम सब इसी टगर पौधे के बारे में जानकारी लेंगे। टगर का पौधा कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसके पत्ते गोलाकार और कंगूरेदार होते हैं। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, पत्तों का आकार छोटा होता जाता है। मराठी में टगर मूल, अंग्रेजी में इंडियन मलेरियन और हिंदी में टगर सुगंध बाला कहते हैं। मार्च और अप्रैल में इसके पौधे लगाए जाते हैं। जून से जुलाई फूल खिलने का समय होता है। इसकी लंबाई साधारण 50 सेंटीमीटर तक होती है। पौधों को नमी वाली दोमट मिट्टी में लगाया जाता है। 4 से 5 घंटे की कड़ी धूप इनको फूल खिलते समय ज़रूरी होता है। गर्मी में इन्हें ज़्यादा पानी देना चाहिए। सर्दी के मौसम में मिट्टी देखकर पानी देना चाहिए। इन्हें उस मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पोटेशियम और फॉस्फोरस से भरपूर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए फूल खिलते समय। यह कड़वा छोटा रूखा होता है। इसी बनी दवा पित्त और कफ कम करने वाला, पाचक शक्ति बढ़ाने वाला होता है। उल्टी, दिल की बीमारी, बुखार, कुष्ठ, अल्सर, खुजली से राहत देने वाला होता है। पेट दर्द और आमवात के उपचार में इसकी दवा का उपयोग होता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर सुगंध बाला की जानकारी आपको कैसे लगी, यह हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।